आज की क्लास में हम सीखेंगे एड्रेस फंक्शन का प्रयोग करना। अब एड्रेस फंक्शन हमारा होता क्या है, उसको हम क्यों यूज में करते हैं, उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए एक्सेल में कि एड्रेस माने क्या। एड्रेस से अभिप्राय होता है कि अब मेरे पास यहाँ पर ना आइटम है, अब आइटम में क्या है कि कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड देखेंगे तो इसका ना एक एड्रेस होगा, क्योंकि ये किसी सेल पर तो रखा होगा ना ये, तो आप इसका एड्रेस देख सकते हैं नेम बॉक्स अंदर B6 पर रखा हुआ है। और फॉर्मूला बार उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है, जो कंटेंट रखा है, जो डेटा रखा हुआ है, वो हमें ना फॉर्मूला बार दिखा देता है उस चीज़ को। तो आज ना हम यही चीज़ पता लगाएंगे एड्रेस फंक्शन के द्वारा कि ये जो वैल्यू है या आइटम है किस मतलब एड्रेस पे रखा हुआ है। तो उसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एड्रेस फंक्शन के बारे में। एड्रेस फंक्शन का प्रयोग प्राय इसलिए किया जाता है जब हमें पता करना है कि कीबोर्ड जिस सेल में है, मतलब ये वाला जो कीबोर्ड है जिस सेल में है उसका सेल एड्रेस क्या है। जब हम कीबोर्ड का रो नंबर एंड कॉलम नंबर दिया जाता है तो हम तो यह हमें रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल रेफरेंस एज ए टेक्स्ट ला के देगा आपको। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पहले से एड्रेस फंक्शन लगा रखा है और मैंने पता किया एज ए टेक्स्ट, मतलब B6 एज ए टेक्स्ट ला के दे रहा है कि ये जो कीबोर्ड है ये कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है, किस सेल एड्रेस पे रखा हुआ है, B6 पर। तो यही चीज़ समझने के लिए अब हम यहाँ इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ना इक्वल टाइप करना है और यहाँ एड्रेस नाम का एक फंक्शन है, टैब दबाएंगे। अब ये कह रहा है कि रो नंबर, अगर मैं मैनुअली टाइप करूँ तो रो नंबर कितने, ये देखिए 6 रो नंबर है, मैंने 6 टाइप कर दिया, कॉमा लगाया। अगला पैरामीटर हमसे पूछा जा रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम कौन सा है, बी, यानी कि सेकेंड कॉलम है, 2 सेकेंड कॉलम हो गया, कॉमा। अब आपको ना यहाँ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रो, रिलेटिव कॉलम, एब्सोल्यूट रो, इनको भी हम बाद में समझेंगे, अभी पहले मैं आपको रिलेटिव वाला समझा देता हूँ। रिलेटिव का मतलब होता है इसमें ना कोई डॉलर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, डॉलर क्लिक करेंगे इस पर, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि R1 C1 से टाइल या A1 से टाइल, ऊपर का जो है ना R1 C1 से टाइल एड्रेस, जो हम सीट यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो हमारी होती है A1 वाली से टाइल की होती है। आप देखें ना ऊपर यहाँ पे A1 B ये लिखे हुए हैं, तो हमारी होती है ये वाली, ये रोमन स्टाइल होता है, इसको हम यूज नहीं करते कभी भी, हमारे लिए ये होता है। तो आपको इसमें डबल क्लिक कर देना है और अभी जो सीट टेक्स्ट है इसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा ये क्या है। अभी इसको हम सिर्फ यहीं तक करते रहे, एंटर ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर कर दीजिए। तो आपको इसने दिखा दिया कि क्या है कि ये B6 पर है। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए B6 ही दिखाई देगा, क्यों। अब मैं आप F2 करता हूँ, एंटर कीजिए, F2 एंटर, तो ये ना A की एड्रेस को उठा के लेके आ रहा है। तो इसको फिर कैसे समाधान किया जाए, कैसे इसको हम सॉल्व करें, तो उससे पहले मैं आपको दो चीजें और समझा देता हूं। अभी इसको मैं यहां से डिलीट कर देते हैं, यहां पे मैं इधर आता हूं साइड में और यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल कॉलम। आपको ना कॉलम टाइप करना है इधर और यहां पे टैब दबा के इसको एंटर कर देना। आपको ये बताएगा कि आप कौन से कॉलम में हो। एम जो ना 13 नंबर का कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। और इसी प्रकार से रो नाम का फंक्शन होता है हमारे पास, वो बताएगा हम कौन सी रो में है इस समय। मैं इक्वल लिखा रो, कुछ नहीं देना है, आप एंटर कर दीजिए, आपको दिखा देगा सीधा मैं कौन सी रो में हूं इस समय, 3rd नंबर की रो है, नहीं है, आप इस नीचे ड्रैग कर दीजिए तो आपको रो की संख्या दिखा देगा सारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कॉलम को देर में आगे ड्रैग कर दूंगा तो एक कॉलम बता देगा सारे मुझे, ये 14 नंबर का कॉलम है और ये क्या है 15 नंबर का कॉलम है। तो हमने क्या करा, रो और कॉलम फंक्शन को ना मैनुअली टाइप करने की बजाय इन फंक्शन को यहां पे लगा देंगे, एड्रेस फंक्शन के अंदर ही इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं एक बार फॉरन पेंटर को यहां, अब देखना मैंने क्या करा, यहां पे इक्वल टाइप किया एड्रेस रो नंबर, तो रो नंबर आपको ना लिखना नहीं है, बस रो को ना आप रो नाम का फंक्शन जो ना उसमें आप टाइप कर दीजिए ब्रैकेट ओपन और इसमें ना इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ कीबोर्ड है, क्योंकि हमें इसका एड्रेस पता करना है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज,
कॉमा, और इसी प्रकार से क्या करूंगा मैं कॉलम फंक्शन को भी यहाँ पे इसमें इंसर्ट करा देंगे और इसमें ही कॉलम को भी यही पास कर देंगे B6 को ही, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज कॉमा। इनमें से आपको जैसे एब्सोल्यूट वन ले रहा हूं मैं इस समय, मैं यहाँ पे वन का यूज कर लेता हूँ, तो वन की बजाय अभी हम क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट वन का मतलब समझते हो क्या है, अगर मैंने वन यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि जो आपका एड्रेस आएगा ना उसमें दोनों तरफ डॉलर लगे हुए आएंगे, इसका मतलब ये है। और टू का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रो, इसका मतलब है कि रो के बाद में डॉलर लगा होगा, कॉलम पे नहीं लगा होगा, मतलब इसके बाद में डॉलर लगा होगा। एक बार करके दिखा देता हूँ लाइव, जैसे हमने इसे एंटर करा तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ डॉलर आ रहा है लगा हुआ। अगर मैं इसकी जगह वन की जगह यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, क्या मैंने टू टाइप कर दिया, अब देखना इसका बदल जाएगा, अब इसमें क्या कॉलम का लॉक हट गया और रो पे लगा गया, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रो। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने थर्ड टाइप कर दिया, मैं ले लिया यहाँ पे थर्ड, अब है रिलेटिव रो, इसका मतलब है कि रो पे डॉलर नहीं लगेगा, कॉलम पे लगेगा इसे यूज करने पर, देखो आगे से हट गया पीछे लग गया। और फोर हम क्यों यूज करते हैं इसमें ना, जब फोर आप लगाओगे रिलेटिव का मतलब क्या है कि उसमें ना कहीं भी डॉलर वगैरह नहीं आएंगे, कल वाली क्लास में आपने देखा होगा, कल समझाए भी थे मैंने चीज़ें, आप फोर टाइप कर देंगे इसका मतलब इसमें ना कहीं डॉलर नहीं आएंगे, आपके नहीं आए ना डॉलर कहीं भी। अब इसको यदि मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ फार्मूले को, तो आप देखेंगे नीचे ना यहाँ पे कलर है, तो अगर मैं इसे नीचे ड्रैग लाऊंगा तो कलर अपना आप हट जाएगा नीचे से, पर कलर नहीं हटना चाहिए मेरा, फॉर्मेटिंग ना हटे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ना एक बार दोबारा देखेंगे, इस रेंज को कर लीजिए आप सेलेक्ट, ठीक है, रेंज हमारी क्या है सेलेक्ट हमने की। अब रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करें, यहाँ पे ना फंक्शन हम दोबारा टाइप करते हैं एड्रेस फंक्शन को, फिर से एड्रेस में रो के लिए हम क्या करेंगे, रो पास कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन और यहाँ पे कीवर्ड को कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज कॉमा, फिर कॉलम फंक्शन को यहाँ पे क्या इंसर्ट कराएंगे और इसमें क्या है दोबारा से इस कीवर्ड को ही सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज कॉमा, यहाँ पे मैं फोर यूज करूंगा और ब्रैकेट कर दूंगा क्या क्लोज, और यहाँ पे सॉरी अभी क्या लगाना है, यहाँ पे भी हमें वन यूज करना है, वन A1 स्टाइल वाला ये चलेगा हमारा, यहाँ पे वन टाइप कर देना है और ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। और पता क्या करेंगे हम, मेरा ये कलर नहीं हटना चाहिए तो कंट्रोल एंटर कर देंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल एंटर। अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट मैं ड्रैग करता हूँ इस नीचे इस फंक्शन को, तो ये कलर हटा देगा नीचे, हट गया ना। अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे क्या हुआ कि हमने एक एड्रेस निकाल दिया, तो आप इस रो को कर लीजिए सेलेक्ट और इसको ना फंक्शन की एप्लीकेशन एडिट मोड में लाओ, और अब क्या करना है कंट्रोल एंटर कर देना, तो अब क्या होगा हमारा सभी के एड्रेस मिल गए हमें, कि माउस का एड्रेस क्या है B7 पे रखा हुआ, देखो B कॉलम है और 7 नंबर रो है, जॉयस्टिक B8 पर है, प्रिंटर B9 पर है, लैपटॉप B10 पर, तो सबका एड्रेस हमें मिल गया। हम ये चाहते हैं कि इस एड्रेस पे इस एड्रेस पे जो जैसे B6 है इस एड्रेस पे क्या रखा हुआ है, तो उसको हम कंकेटिनेट करेंगे, जोड़ेंगे अब उन चीज़ों को, जैसे कीबोर्ड है या माउस है इस एड्रेस पे क्या कंटेंट रखा हुआ है, तो डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूले के लास्ट में आ जाना आपको, ठीक है, और यहाँ लगाना है M%। आप देखेंगे कंकेटिनेट करने के लिए M% का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने M% लगा दिया। डबल कोटेशन टाइप करेंगे और यहाँ पे इक्वल, क्योंकि ये एक क्या है इसको बंद कर देंगे इसमें, अगर मैं इसे एंटर करता हूँ डायरेक्ट, आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल तो लिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे जोड़ दिया। डबल क्लिक करेंगे दोबारा से, और क्या चाहिए इक्वल में, इक्वल में मुझे क्या लेना, मुझे ये वाला सेलेक्ट कर लेना, ये आइटम, ये जो कीबोर्ड है ना ये आप वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्या M% लगाएंगे फिर से जोड़ने के लिए अगला आइटम, तो यहाँ से ना कीबोर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो B6 सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो, तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड आ गया नहीं आ गया भाई, सेलेक्ट किया F2 किया और कंट्रोल एंटर कर देंगे, ताकि सभी के हमें ये क्या करे, जहाँ पे भी हमारे एड्रेस लिखे हुए हैं उस एड्रेस पे क्या कंटेंट रखा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं फिर से, मैंने डिलीट किया, अब एक साथ करेंगे इकट्ठा, भाई इक्वल लिखा एड्रेस फंक्शन, रो में क्या करा हमने रो टाइप कर देंगे, तो रो में हमने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और कॉलम के लिए कॉलम भी दोबारा से इस कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज कॉमा, यहाँ पे हम फोर टाइप करेंगे कॉमा, फिर वन टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, यहाँ पे M%, फिर यहाँ पे डबल कोटेशन, क्योंकि कोई भी सिंबल टेक्स्ट अब देते हैं तो डबल कोटेशन में आता हमेशा, वो इक्वल टाइप कर दिया,
डबल कोटेशन, फ्रेम पर्सन लगाएंगे, अगला क्या जोड़ना है, अगला ये जोड़ दिया, और क्या करेंगे कंट्रोल एंटर कर दीजिए, आपके जो उस एड्रेस पे डेटा रखा हुआ है, जो कंटेंट रखा हुआ है, वो आपको ना ऐसे दिख जाएगा। ये हमारा हो गया पहला तरीका कि किस तरीके से हम एड्रेस फंक्शन का प्रयोग करके पता लगाएं कि वो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है। वो तो हमने एम्परसेंड से निकाल दिया, कीवर्ड रखा हुआ है, और एड्रेस ये पता लगा लिया कि कीवर्ड किस एड्रेस पे रखा है, उसका सेल एड्रेस क्या है, ये हमें ला के दे रहा है एड्रेस फंक्शन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सेम यहाँ पे भी वही तरीका अपनाया गया है, सेम यहाँ पे भी वही है, क्योंकि तो मैंने आप ना एक साथ समझा दिया उनको, पहले तो हमने एड्रेस निकाले थे सिंपली, तो यहाँ पे वही सिंपल तरीका है। इसी काम को मैं सेल फंक्शन से भी कर सकता हूँ, देखो कैसे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रेंज सेलेक्ट रखेंगे, इक्वल लिखेंगे, और एक ना सेल नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, तो ये आपको दिखाएगा क्या लेना है, फॉर्मेट, फाइल नेम, प्रोटेक्ट रो, तो मैं अपना एड्रेस लेना चाहता हूँ। अब एड्रेस में हम लगाएंगे कॉमा, अब ये रेफरेंस पूछेगा हमसे, रेफरेंस किसका चाहिए आपको, जैसे हमें यहाँ से, और एंटर करूँ तो आपको ना ये जो वैल्यू ला के देगा, जो एड्रेस ला के देगा आपको डॉलर में ला के देगा, आपको जो ये सेल का एड्रेस ला के दे रहा है कि ये जो कीबोर्ड है दोनों तरफ डॉलर लगा रही है, मतलब एब्सोल्यूट में आ रहा है। अब इसको हम क्या सिलेक्ट करके F2 करेंगे और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। अब मुझे ना यहाँ से डॉलर को हटाना है, अब डॉलर को हटाएं कैसे, डॉलर हटेगा कैसे, देखो डॉलर सिंबल को हटाने के लिए सब्टीट्यूट फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। एक ना सब्टीट्यूट नाम का एक फंक्शन है जिसका हम इसमें यूज करेंगे, उसको हम सेल के बाहर इंसर्ट करा देंगे सब्टीट्यूट फंक्शन को, तो देखेंगे कैसे। इसके बाहर क्या करना है आपको, सब्टीट्यूट एक फंक्शन अप्लाई कर देना है, और टेक्स्ट में तो मैंने सेल वाला जो हमने फंक्शन पास किया तो वो दे दिया पूरा। फिर यहाँ पे देखो अगला है ओल्ड टेक्स्ट, ये कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट यहाँ, तो कॉमा लगा के ना आपको डबल कोटेशन में ओल्ड टेक्स्ट क्या है, डॉलर ही तो हटाना है मुझे, भाई डॉलर में ओल्ड टेक्स्ट दे दिया, कॉमा न्यू टेक्स्ट में मुझे कुछ चाहिए नहीं, न्यू टेक्स्ट तो डबल कोटेशन में टाइप कर देंगे ब्लैंक, ओके यार एंटर कर दीजिए, तो आपके सामने यहाँ पर डॉलर हट जाएंगे और आपके सामने आप क्या एड्रेस निकल के आ जाएंगे। पर रेंज को हमने क्या है सेलेक्ट किया, F2 करेंगे और क्या कर देंगे कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, सेल का एड्रेस भी निकाल सकते हैं, और जो डॉलर साइन जो यहाँ से आ गया था वो हम यहाँ से हटा देंगे, उसे डिलीट किया मैंने, फिर से मैंने इक्वल लिखा। अब एक साथ देखो कैसे यूज करेंगे, भाई सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया हमने, सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने क्या है सेल नाम का जो टेक्स्ट है, हमने सेल नाम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेल में क्या एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, एड्रेस में मैंने कॉमा लगाया, रेफरेंस हमने किसका दे दिया कीबोर्ड का दे दिया, ब्रैकेट कर दी क्लोज कॉमा। अब कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो ओल्ड टेक्स्ट मेरे पास ना डॉलर आएगा आंसर, तो डॉलर हमने पास कर दिया, कॉमा न्यू टेक्स्ट में कुछ चाहिए नहीं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसे एफ टू करेंगे और कंट्रोल एंटर कर दीजिए, सॉरी सेलेक्ट करके एफ टू और कंट्रोल एंटर, आंसर आ गया नहीं आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो B6 है, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा था ना एड्रेस फंक्शन के साथ, तो सेल के साथ भी हम ये जोड़ेंगे कि उसके सेल पर क्या वैल्यू रखी हुई है, तो इसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो थोड़ा फंक्शन लंबा हो जाएगा। इक्वल लिखा सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट तो करता है डॉलर को हटाने का काम, तो मैं यहाँ पे क्या है सेल फंक्शन को पास कर देता हूँ, ठीक है। सेल के अंदर हमने क्या है एड्रेस ले लिया, एड्रेस में क्या है ये पास, सॉरी कॉमा लगाएंगे पहले हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और रेफरेंस दे दिया हमने कीबोर्ड का, फिर हमने क्या है ब्रैकेट कर दी क्लोज, फिर कॉमा लगाया, ओल्ड टेक्स्ट क्या है वही डॉलर है, हटाना है मुझे डॉलर, कॉमा न्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं चाहिए तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब मुझे क्या लिखना है, अब यहाँ पे एम परसेंट लगाएंगे क्योंकि मुझे जोड़ना है क्या, तो यहाँ पे डबल कोटेशन इक्वल डबल कोटेशन, फिर दोबारा एम परसेंट, और इसको हम क्या कीबोर्ड को जोड़ देंगे और एंटर कर देंगे, तो हमें दिखा देगा कि उसके बराबर हमारा क्या है कीबोर्ड है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के इस तरीके से आ जाएगा। भाई फंक्शन की से F2 करेंगे और कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा। तो आपके पास ना दो मेथड है, आप उसे जोड़ भी सकते हैं और सिंपल उसका एड्रेस ही पता कर सकते हैं, उस एड्रेस पे क्या रखा हुआ है उसको हम निकाल देंगे सेल फंक्शन से भी, और जब डॉलर आता है तो डॉलर को हटाने के लिए हमने क्या यूज करा है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन का हमने प्रयोग किया, जब हमने जोड़ा था तो एम परसेंट का हमने प्रयोग करा है, ताकि दो चीजें ना उसमें आपस में क्या है वो
जुड़ जाएं। अब आगे देखिए, एड्रेस फंक्शन का प्रयोग करके कॉलम नंबर से कॉलम लेटर निकालना, नंबर को एबीसी लेटर में बदलना, बहुत कमाल का फंक्शन है। हम ये देखते हैं किस तरह काम होगा। आपको यहां पर पता है क्या है, आपको यहां पर कॉलम नंबर दे रखा है, जैसे 1 का 2 का 3 का, परंतु इससे कॉलम से ना आपको लेटर निकालने हैं। तो अब देखना मैं कैसे यूज करूंगा इस चीज को, ध्यान समझना। एक कॉल लिखेंगे, मैं एड्रेस फंक्शन के अप्लाई करेंगे रो। अब रो ना कोई सी चूज कर लो, ऊपर से 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दो। मैंने सेकंड रो दे दी। अब सेकंड रो में से मुझे क्या निकालने है? मुझे कॉलम पता करनी है। तो यहां पे ना कॉलम नाम का जो आपका फंक्शन है वो लगा दीजिए, इसमें क्या है कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉमा, यहां पे हम 4 टाइप करेंगे, कॉमा 1 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो B2 आ गया, नहीं आ गया B2। अब ये तो हमें आंसर जो है गलत ला के दे रहा है, इसको हम दोबारा नीचे ड्रैग कर देते हैं। आंसर हमारा यहां से ला के नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे, एक सेकेंड। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको यहां से डिलीट करते हैं दोबारा, और फिर यहां मैं दोबारा फंक्शन अप्लाई करता हूं, इक्वल एड्रेस। एड्रेस फंक्शन में हमने रो नंबर दे दिया 1, मतलब मैनुअल टाइप कर दो, 1 2 3 कुछ दे दो, कॉलम ब्रैकेट क्लोज। तो कॉलम में तो हमें ये पास करना ही है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और हमें चाहिए 4, R1 style 1 0 B1। तो हमारा आंसर आ गया, पर आगे दिखाना चाहिए इस पर B2। तो अगला कॉलम क्या है, 2 पर, ये तो B1 हो गया ना, तो B1 पे हमारा, मैंने जो आंसर दिया है इसे रो नंबर 1 दे दी मैंने, इसे रो नंबर 1, और 1 यहाँ कॉलम एड्रेस दिखा रखा है, तो यहाँ पे ये बनाना चाहिए ना। आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत उठा रहा है, एक बार तो मैं बैक करता हूँ इसे। तो यहाँ ये बना रहा है हमारा, अरे सॉरी, इसमें ना हमें कॉलम नाम का फंक्शन ही पास नहीं करना है, हमने कॉलम फंक्शन पास कर दिया इसमें, वो पास नहीं करना है, सीधा हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट मैनुअली टाइप कर देंगे, इक्वल एड्रेस, रो नंबर दे दिया आपने, क्या कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दीजिए, मैं 1 ले रहा हूँ, कॉमा, और यहाँ पे क्या है कॉलम नंबर आपको ये पास कर देना है, मेरे पास है ना ऑलरेडी, इसलिए मैं कॉलम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, कॉमा 4, 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे जब इसे नीचे ड्रैग करोगे ना, तो आपको ना हर एक एड्रेस दिखा देगा ये, कि जो सेकंड है वो क्या है, जो सेकंड कॉलम है वो B1 है। देखो कैसे, मैं इधर आया, रो नंबर 1 दे रखी ना, तो रो 1 में क्या ये 1 A1 B1 C1 D1 तो 1 1 ही चलेगा, तो यहाँ पर इसलिए 1 1 तो चल रहा है सारा। और ये हमारे क्या कॉलम संख्या हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि एड्रेस दिखा रखे हैं, जैसे 10 पे क्या है, 10 पे J है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे J होता है आपका। अगर मैं आप कॉलम फंक्शन लगा भी दूँ, मैंने लिखा इक्वल कॉलम और आप एंटर कर दो, तो 10 नंबर पे J है नहीं है, ये रहा देखो J 17 जो दिखा रहा है इसका एड्रेस, तो ये 10 जो है ना हमारा जो J है ये 10 नंबर पे है हमारा है। और हमें ये भी पता, ये तो हमें पता चल गया सिंपली यहाँ से। अब मुझे यहाँ से क्या 1 को हटाना है, 1 तो नहीं चाहिए मुझे, अब 1 को कैसे हटाएंगे हम यहाँ से। अब देखो 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अगले सेल में इसको यूज कर रहा हूँ, अब 1 कैसे हटाओगे, इक्वल सब्टीट्यूट, सब्टीट्यूट में क्या पास करना है, एड्रेस फंक्शन, एड्रेस में रो क्या दे दिया आपने 1 कॉमा, फिर क्या करा कॉलम में ये सेलेक्ट कर लिया, दोबारा वही फंक्शन है कॉमा 4, 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे हटाना क्या है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट मेरे पास है 1। अब नंबर को ना कभी भी डबल कोटेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती मुझे, ये ध्यान देना, चाहे आप डबल कोटेशन में लिखो मत लिखो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर टेक्स्ट जब लिखोगे ना वो डबल कोटेशन में आता है हमेशा। मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ, कॉमा, और न्यू में कुछ चाहिए नहीं, ब्रैकेट क्लोज है, एंटर। तो आप देखेंगे ये A1, तो आपके ना कॉलम लेटर निकल के आ गए मेरे पास यहाँ पे, ये देखो। तो एड्रेस फंक्शन हमें कंट्रोल एंटर कीजिए एक बार, अब देखिए यहाँ पे मेरा कलर नहीं हटा, तो हमें ना उसके एड्रेस ला के दे दिए कि इसका एड्रेस क्या है, 1 कॉलम का इसका एड्रेस क्या है। तो कॉलम लेटर हमने निकाल दिए भाई, A1 का मतलब पहला कॉलम, B का मतलब सेकंड कॉलम, और यहाँ चेंज करोगे जैसे मान लो मैंने यहाँ 11 कर दिया, तो आपको K दिखा देगा, क्योंकि 11 जो कॉलम है उस पर क्या लेटर है, K नंबर का है। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या कर सकते हो, कॉलम जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हो।
अब यहाँ पे कि अगला जो ऑप्शन है वो है गेट कॉलम लेटर फ्रॉम करंट सेल। करंट सेल का जो एड्रेस वो कैसे पता लगाओगे? यहाँ पे पहले से मैंने एक फंक्शन यूज कर रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये, जैसे ये करा है हमने इसी की तरह है। जैसे मान के चलो आपने लिखा इक्वल एड्रेस फंक्शन, अब रो कोई भी प्रोवाइड दे दो, कोई भी संख्या दे दो रो की, जैसे मैंने 1 ले ली, 1 2 3 कुछ भी दे देना, कॉमा, यहाँ कॉलम नाम के ना आपको एड्रेस नहीं देना, बस यहाँ पे कॉलम का फंक्शन सेट करा दो, क्योंकि हमें क्या है ये करंट ला के देता है कि उसका नंबर क्या है कॉलम का, 4, 1 ब्रैकेट को एंटर, और जब इसे आप G1 आ गया आगे डायरेक्ट कीजिए इसे, तो आपको संख्या दिखा देगा H1, जी से आगे आता है HIJK। अब इसको बैठाने के लिए क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूट नाम का ना फंक्शन यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, बट टेस्ट में तो मैंने सारा दे दिया पूरा फंक्शन, कॉमा लगाएंगे, अब ओल्ड टेस्ट में क्या है मेरे पास 1 है कॉमा, और न्यू में तो कुछ चाहिए नहीं, सॉरी यहाँ कुछ और है, अभी न्यू टेस्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यहाँ पे क्या है इसे ड्रैग कर दीजिए, ये हमारा आ गया नहीं आ गया, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ना आप क्या है एड्रेस फंक्शन का प्रयोग करके ना करंट कॉलम का भी जो है लेटर निकाल सकते हैं उसका भी, हम इसका लेटर क्या है ऊपर देख रहे हो ना, ये जी में ही था ऊपर, एच में है, आई में है, जे में है और ये के में है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हो। हिंट भी मैंने लिखा हुआ नीचे कि रिमूव 1 फ्रॉम लेटर यूजिंग सब्स्टिट्यूट फार्मूला, तो 1 को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूट फार्मूले का आपको ना प्रयोग करना है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आज क्लास यहीं तक करेंगे।